गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत ड्राइविंग स्किल्स के साथ। तो दगड़ियों, आज ट्रेनिंग का चौथा दिन और हमारे गुरुजी आज हमारे कैमरामैन बने हुए हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, इससे ध्यान भटकता है। तो आज मैं आ गई हूँ मेन रोड में। ये अभी हम चल रहे हैं डीसी वाली रोड में, कॉलेज की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज काफी सुधार है। अब आज मैं धीरे धीरे माटो मान लाग गयी दगड़ियों, नैनताला लीजी बाट देखनू कहाँ तक जा सकनू। तो जैसा गुरु वैसा चेला, तो सही। और हाँ, एक चीज आप बता दो, हम दोनों हम उम्र है, हम सेम एज ग्रुप के हैं। मैं थोड़ा बड़ा हूँ पवन दादी से, पर महीनों का अंतर है। का। ये मई में पैदा हुए थे, जून में, और मैं सितंबर में। तो जैसा तो गुरु इनके बावजूद थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे। तो जैसा गुरु वैसा चेला, और मेरे को लगता था मैं ही थोड़ा सा तेज हूँ, लेकिन नहीं, जो मेरे को मिला है वो भीड़ से ज्यादा तेज है। मजा आ रहा है यार। तो कैसा लग रहा है आपको वो तो नहीं हो रहा यार, चिंगान मचान टाइप ना, यार। ना, ना। मेरे तो खाली जो हाँ कर दी वाला सीन ना, ना, ना। मेरे तो कैसे घंटे कट जाने पता ही नहीं चल रहा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये लगातार ड्राइव चलते रहे हम, नैनीताल मुंशारी सब जगह इसी रूट में पूरा कर दे। बिल्कुल ये तो है, और एक दिन करेंगे भी हम, बिल्कुल जाएंगे हम ट्रिप में। अभी हम एक दिन काली चौड़ माता मंदिर भी जाएंगे, बिल्कुल उसकी भी बहुत मान्यता है। गाड़ी में होते हैं दो शीशे, फ्रंट और रेयर। पहली बार लगाया मैंने पांचवा गियर। गियर का भी साउंड होता है, मुझे पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट गियर में आवाज कुछ और होती है, सेकंड गियर में गाड़ी की आवाज कुछ और होती है। धीरे धीरे ये बारीकियां पता चल रही हैं। आज की जो लर्निंग है हमारी, थोड़ा सा हमने रिवर्स गियर की प्रैक्टिस करी, रिवर्स गियर में गाड़ी बैक कैसे करते, लेकिन अभी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया है वो, लेकिन आज मेरे को इतना ये आ गया। जैसे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, जिस पे कार लायक जगह है, तो इसमें से गाड़ी कितने में से निकलेगी नहीं निकलेगी, ये टीले पे नहीं लगानी है गाड़ी, अपनी तरफ कितनी रखनी है, वो चीज मुझे आ रही है। ये आप देख सकते हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले मेरे को ऐसा लगता था ना कि गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, तो वो डर नहीं लग रहा, वो झस झस वाली वो होना बंद हो गई है। और फाइनल अग्नि परीक्षा तो ट्रैफिक में होगी, पता चला वहां पे सब कुछ भूल गया। ऐसा होता है युद्ध में, सब भूल गए। ये होता है युद्ध में, सब भूल जाते हैं। अब वो तो है ही, थोड़ा सा सिचुएशन जब रियल ये वो होता है ना, कि रियल लाइफ में जो युद्ध का जो क्षेत्र होता है वहां पे करना अलग चीज है, और किताबों में पढ़ना या फिर ऐसे फील्ड में सीखना वो अलग चीज है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, बेसिक आइडिया तो है, ठीक है। तो कभी आप लिफ्ट मांगोगे तो थोड़ा सोच समझ के मांगना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। तो दगड़ियों, आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं थोड़ा सा गुरुजी का अपना लोटा भूल गए थे, वो लोटा पहुंचाने जा रहा हूं। तो ये है हमारे गुरुजी का लोटा, ये आप देख सकते हैं, इसी को लेके वो बाहर झाड़ पेशाब जाते हैं। ये लोग ना दोस्तों कुमाऊं के बहुत पुराने और खानदानी सेठ हुए, इसी वजह से प्राचीन तरीके से हकते हैं। तब तक झाड़ पेशाब वाली जी बाल्टी चाहिए, और वो बाल्टी बहुत शगुनी है इनके लिए, प्रेशर अच्छा बनता है गुरुजी का इससे। नहीं तो कल हमने गाड़ी धोई थी, कल भूल गए थे, है ना, उसी से गाड़ी धोई, उसी से अपना धोया। तो दगड़ियों, आज हम जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर नहीं होता है, सलून होता है। सलून होता है, दिल्ली वालों का सलून होता है, पहाड़ वालों का ब्यूटी पार्लर होता है। तो रंजना बोल रही है कि गांव जाके मेरी स्किन वो हो गई है, कुछ कह रही थी कि अब है रफ। हाँ, अब डेंटिंग पेंटिंग कराने जा रही है दोस्तों, तो साथ में मैं भी जा रहा हूँ। और ब्याह के बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कपड़े भी घरवाली की मर्जी के पहनने पड़ते हैं। तो आज हम अंजलि मैम के वहां जा रहे हैं, उनके सलून में जा रहे हैं, नॉट ब्यूटी पार्लर, ठीक है। और अंजलि मैम ने ही रंजना को मतलब सजाया था, ब्राइडल मेकअप इसका किया था। अंजलि मैम के जो फादर है ना, वो बहुत स्वीट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अंडरटेकर जैसे लगते हैं दोस्तों। और इतनी एज में भी उन्होंने अपने को ऐसे मेंटेन करके रखा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। और उनके जो हस्बैंड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि मैम ही करती होगी अपने हस्बैंड का मेकअप, तभी इतने अच्छे करते हैं वो। हाँ, स्किन केयर बोलो। ओहो, पहाड़ी बान। यह है दोस्तों हमारी अंजलि जी का सैलून, ए बी एम यूनिसेक्स सैलून बाय अंजलि जी। अच्छा लगता है ना जब अपने पहाड़ की बहू बेटियां
इस तरह से मतलब बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं। इतना साजो श्रृंगार लगता है दुल्हन को सजाने में, ये आप देखिए। यही कारण है कि दूसरे दिन दुल्हन पहचान में नहीं आती है क्योंकि उस दिन उतर जाता है सर। तो दगड़ी ओहो, यहाँ आती मेरा बिल्कुल चेहरा खिल गया, लाइट भी ऐसी लगा रखी है जैसे ऐसा लग रहा है फेशियल किया होगा। अब मैं आपको मिलाता हूँ इस सैलून की जो सर्वे सर्वा है, मालकिन है, अंजलि मैम से मैं आपको मिलाता हूँ जिन्होंने हमारी ब्योली को सजाया था। आइए आइए, स्वागत है आपका अपने सैलून में। तो दोस्तों यही वो शख्स है जिन्होंने रंजना को तैयार किया था मेरी शादी के दिन, और तो बहुत अच्छा किया था और बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया क्योंकि उसमें इनके पास बहुत सारी बुकिंग थी, उसके बाद भी हमारे लिए समय निकाला, दूर आके किया। हाँ, इतनी दूर आके किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आपने भी नया ये शुरू कर दिया, पहले आपका पुरानी जगह था, अब ये नई जगह आ गए और बिजनेस बढ़ा दिया है। तो रंजना इनके लिए भी शगुनी है, सिर्फ मेरे लिए, इनके लिए भी शगुनी है। तो मेरी शादी के बाद इनका बिजनेस भी बढ़ा है, बढ़ना ही था, ब्लॉग जो डाला था मैंने, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, ज्यादा दूर नहीं है, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप कालाढूंगी रोड में, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के ठीक सामने, ठीक हो गया। अब्दुल्ला पेट्रोल पंप है जो कालाढूंगी वाली रोड है, जो ये सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल ऊपर ऊंचापुर को जाती है उसी वाली रोड में जो पेट्रोल पंप है उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो ए बी यूनिसेक्स सैलून करके होगा, एबीएम यूनिसेक्स सैलून। हाँ, आज आपके हस्बैंड का है वो, तो दोस्तों इतने स्वीट है, इतने क्यूट है ना, दोबारा गेहूं है रही, मतलब इतने जवान इतने यंग है। मैं उनसे जड़ी बूटी पूछे तो कौन सा वो कौन सी जड़ खोद के खाते हैं, और इनके पापा आया है गोलू मोलू गोलगप्पा खेल हुआ उनके सामने, तो मजा आ जाता है। कॉफी भी कितनी अच्छी लग रही है दिखने की, देखो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कॉफी का भी ब्यूटी पार्लर किया होगा, देखो आप कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों अंजलि मैम के हस्बैंड भी यहाँ पर आ गए हैं जिनकी मैं अभी तक तारीफ कर रहा था, इतने स्वीट हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती, देखो दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे लगता है सुनील छेत्री ने जैसे मेंटेन करके रखा है अपने आप को, सेम। अरे वाह, क्या है ये, पालक बड़े कछुआ तो नहीं पका के लागे तो अरे वाह, किस चीज के है, पालक के? हाँ, पालक के हैं। क्या बात है, वाह। और साथ में है खुशियानी अचार, वाह। अच्छा, तो आपने भी जॉइंट वेंचर शुरू कर लिया क्या अपना? ये है करेला। अरे भाई साहब, करेला चिप्स, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये फलहारी चूड़ा जेठालाल मिक्स, वाह, गुजराती। ये प्लेन सॉल्टेड, पहले तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद धन्यवाद। ये दादा का स्टार्टअप है, ये चिप्स अलग अलग टाइप के चिप्स हैं, इसमें चिप्स लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख लो, और अगर आपको लेना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं दादा से। ये देखिए, आप इनकी दुकान से ले सकते हैं। दादा कहाँ पर है आपका? ये यहाँ पर है अपना अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के आगे, आर के टेंट हाउस के जस्ट मिजाज, मतलब रेस्टोरेंट है वहाँ पर। अच्छा, हाँ हम गए तो अभी तो अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ और बनेंगे, अभी बनाना के बन रहे हैं। अच्छा, फ्रेश रोज ही बनते हैं केले के चिप्स, तो अच्छे होते हैं। कैसा है ये सिस्टम, मेरे को बता। कैसे है? सुपर। तो दोस्तों आप ये देखिए, आप दोस्तों आप कौन कहेगा दोस्तों, आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में इनकी एज बताना दादा की, कितने एज के हैं। मुझे तो ये मतलब तिबार ब्यौन है, मतलब ये आप समझ सकते हैं, मतलब एक शादी तो हो चुकी है इनकी, अगर ये करना चाहे तो अभी भी इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये ठुकरा दे रहे क्योंकि इतना प्यार करते हैं, साथ में अभी स्टार्टअप भी शुरू किया हुआ है। इससे भी यंग लग रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो क्या राज है, मतलब शादी शुदा होने के बाद भी आदमी इतना यंग कैसे दिख सकता है ना, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे आपने देखा होगा एक स्पोर्ट्स पर्सन है सुनील छेत्री, उनकी भी एज का पता नहीं लगता है, बस सेम ही हल्द्वानी के सुनील छेत्री है दोस्तों, इनकी भी एज का पता नहीं लगता। वो सुनील छेत्री फुटबॉल खेलता है, ये चिप्सों से खेलते हैं दोस्तों हर तरह के चिप्स, नाना प्रकार की प्रजातियों के इनके पास चिप्स है। तो आप अगर आपके डैडी जी या आपके काका कुछ ऐसे थोड़ा सा घुटघाट मारते तो चखना के रूप में भी आप इनसे ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये करेला चिप्स है, ठीक है, और ये पालक पुदीना चिप्स है, और अलग अलग वैरायटी के, मतलब आपको मजा आ जाएगा। बाकी मैं आपको घर में जाके टेस्ट करके बताऊंगा। और दादा की शॉप है कहाँ पे दादा? अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास मिजाज रेस्टोरेंट है, उसके बगल उसके बस बगल में, हाँ, मिजाज रेस्टोरेंट के ठीक बगल में इनकी शॉप है। तो वहाँ पर ये चिप्स भुनते हुए पाए जाते हैं, तलते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे मेकअप करती हुई पाई जाती है, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के ठीक सामने, ठीक है।
तो आप जरूर पधारें। और काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छा इनका काम है, अपने पहाड़ के हैं, तो एक पहाड़ी वातावरण के बीच में, एक पहाड़ी व्यवहार के बीच में एक फैसी फैसी सा लुक आपको आएगा। काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रंजना का भी मेकअप इन्होंने करवाया था। दादा उस दिन गाड़ी लगा के आए थे, तो दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक थोड़े से ब्रेक के बाद। हमको बातें करते करते इतना टाइम लग गया ना वहाँ पे, हाँ। बातों में रह गए हम, हाँ। फिर अब मैंने कहा चलो आज बातें करने का दिन है, कल काम का दिन बनाएंगे। मतलब कल सुबह सुबह तुम अंजलि मैम के साथ वो करोगे, मेकअप करोगे, तुम चिप्स बनाओगे। तो फाइनली दोस्तों हम रूम पे पहुंच गए हैं, अब करते हैं आराम, बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।